हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ उन महान शख्स का जो कि बहुत फेमस है सोशल मीडिया पे भी और बाहर पे भी, जिन्होंने बिग बॉस भी किया हुआ है। और वो आज नागपुर में आया है, जयपटका में। तो मैं उनसे, हर कोई मिलना चाहता है, हर कोई सेल्फी निकालना चाहता है, वीडियो निकालना चाहता है, उनके उनके लाइव डायलॉग सुनना चाहता है। तो सेल्फी और सेल्फीज तो नहीं मिल पाएंगी, लेकिन वीडियो बनाएंगे हम और उनके डायलॉग्स लाइव सुनेंगे, क्योंकि हमने सोशल मीडिया पे ही सुना है। अगर आप यूट्यूब इंस्टाग्राम वगैरह चलाते होंगे तो हर कोई बंदे के चैनल पे या इंस्टाग्राम पे उनकी एक क्लिप रहती है, उनका एक डायलॉग रहता ही है। वही डायलॉग ये है, रुको ज़रा, सब्र करो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये डायलॉग सुने होंगे तो आप समझ गए होंगे कि मैं किन का वीडियो निकालने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं हिंदुस्तानी भाऊ का वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि आज वो नागपुर आया है जयपटका में। nutrition.com करके शॉप ओपन हुई है, उसका उद्घाटन करने के लिए वो आज आया है। तो दोस्तों आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज मैं उनका डायलॉग सुनूंगा, लाइव सुनूंगा, उनको लाइव देखूंगा। तो चलिए दोस्तों, अभी चलते हैं उनके डायलॉग सुनने और उनका वीडियो निकालने। चलिए दोस्तों। बाउंसर, ओ बाउंसर, सुनो, यही मेरी दुनिया, यही मेरी दौलत है। तो आप लोग भी उनको सपोर्ट करो। धक्का बुक्की जिसको देना है उसको देंगे ना। इधर अपने अपनों की भाव नहीं लेता है, उनकी लेता है। हाँ, रुको जरा, सबर करो, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है भाओ। मजाक नहीं कर रहा हूं सर, जो इंतजार किया है इन्होंने और जो इंतजार का फल ही नहीं मिला है, मजा आ गया। सो भाओ, हम लोगों ने ना एक चीज की आपके स्वागत के लिए बनाया था हम लोगों ने, पता नहीं इनके हाथ में मोबाइल है फिर भी करते हैं। हम लोगों ने जब स्पेशल आपके लिए सोची थी तो हम, ये लोगों के भी मन में कुछ रहेगा ना कि उधर कुछ करने का, भाऊ आएगा तो हमारे लिए कुछ तो करेगा ना। तो इनका एक ख्वाहिश है, एक गाना पीछे से बजने वाला है, तो बस
हाथ भी हिला दिया आपने उस गाने में, तो मजा आया। डीजे वाले भाऊ, भाऊ का गाना बजा दो। ये तो हम सबने गानों में सुना है, क्या बोलते हैं पब्लिक? भाऊ को दे दूं माइक, करोगे बात, मानोगे बात? भाऊ बहुत ज्यादा एक्साइटेड है सब लोग आपको सुनने के लिए, तो मैं ज्यादा इन्हें और बेचैन नहीं कर सकता। तो आप सबके प्यारे हिंदुस्तानी बोलती नागपुर की पब्लिक, एक नंबर। जैसा नागपुर इतना खूबसूरत है, आप लोग भी इतने खूबसूरत है। कड़क कड़क कड़क, रुको जरा, सबर करो। बोला ना धक्का बुक्की करने का नहीं, लाइन से आने का, लाइन से लेने का। वरना नागपुर की पब्लिक कैसा लेती है? एक नंबर। अब इसके बाद खचाखच चालू करेंगे, हाँ, नया डायलॉग। एक नंबर, एक नंबर। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, मनोज भाई और ओशिन भाई, इन्होंने मेरे नागपुर के फैमिली से मेरे को मिलाया, इसके लिए उनका धन्यवाद। बहुत कम मौका मिलता है मेरे को, मैं हर स्टेट में जाता हूँ, हर स्टेट में, और हर स्टेट में आप लोगों की, मेरे माता बहनों की दुआएं, आप जैसे भाइयों की दुआएं मिलती है, इसके वजह से भाऊ बोल सकता है। अभी बहुत लोग बोलते हैं कि भाऊ पहले जैसा वीडियो बनाता नहीं, देखो ए, 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 बाउंसर बाउंसर, ओ बाउंसर सुनो, यही मेरी दुनिया है, ये मेरी दौलत है, समझा? तो आप लोग भी उनको सपोर्ट करो, धक्का बुक्की जिसको देना है उसको देंगे ना। इधर अपने अपनों की भाव नहीं लेता है, उनकी लेता है। हाँ, लेंगे लेंगे। तो बहुत लोग बोलते हैं कि भाऊ पहले जैसा वीडियो बनाता नहीं, क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि जब वहां के यूट्यूबर थे जो मेरे देश के खिलाफ बोलते थे, मेरे देश के लोगों को बोलते थे, मेरे तिरंगा का अपमान करते थे, तो उन लोग की नारियल कुरकुरे सब खिला के ले लिया, ऐसा है। तो अभी उन लोग ने मेरे देश के खिलाफ बोलना छोड़ दिया, मेरे देश के लोगों के खिलाफ बोलना छोड़ दिया, मेरा तिरंगा का अपमान करना छोड़ दिया, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि किसी के मां बहन को गाली दो। तो जिस दिन आएंगे उस दिन लेंगे टपाटप, क्योंकि आज भी सोते तो उनके सपने में हिंदुस्तानी भाऊ आता है। उनको मालूम अगर कोई भी देश के खिलाफ हम लोग ने बोला तो ये कल सुबह एड़ा गाड़ी में बैठेगा, जय हिंद दोस्तों बोलेगा, फिर तो हमारी टपा टप टपा टप टपा टप। वो मालूम है गुच्ची खान था, गुच्ची खान जो बोलता था आई एम बोर्न इन लंडन, आई एम छोटा से बड़ा हो गया इन कश्मीर, आई एम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। उसकी माँ क्या डिस्को करने गई थी क्या? थोड़ा राइट मारता नागपुर, ऑरेंज बर्फी, अच्छा अच्छा मिठाई दे के लेते फिर। हा दूसरी मेरी आइटम मालूम ना, लव यू नो ना लव। हाँ, उसने भी अभी वीडियो बना के सॉरी बोल दिया कि मैं आज के बाद कभी भी तिरंगा का अपमान नहीं करेगी, माफ कर दिया। दूसरा था चंपा चोर, साइकिल चोर, मालूम ना डॉक्टर चंपा, उसकी माँ जिलेबी वाले के साथ भाग गई थी। हाँ,
तो उसको इधर नागपुर का ही ऑरेंज खिलाया था मैं, चुप बैठ गया वो भी। ऐसा है तो जब तक इन लोग चुप है भाऊ चुप है, जिन लोग ने जो टाइम इन लोग ने उंगली किया तो पूरा का पूरा हाथ डाल देगा। और बहुत लोग बोलते हैं क्या रे जब देखा है गाली देता है गाली देता है, शरीफ लोग। अरे ठीक है मैं गाली देता है, तू शरीफ है ना, तू तेरे तरीके से समझा ना उनको कि मेरे देश के खिलाफ मत बोल, मेरे लोगों को गलत मत बोल, मेरे तिरंगा का अपमान मत कर। मैं नहीं बोलूंगा, साले खुद तो कुछ करते नहीं और जो करता है उसको बोलने देते नहीं। हाँ तुम करो ना, मैं काहे को किसी को बोलेगा, तुम करके तो देखो, सिर्फ उंगली उठाना आसान है। हाँ हम लोग क्या क्या झेलते हमको मालूम, समझा, पिछवाड़े में ताकत मांगती है सब करने के लिए। हाँ ये सब करने से नाम भी नहीं दुश्मनी भी उतनी ही बढ़ती है। हाँ अकेला शेर घूमता है पूरे इंडिया में, उखाड़ लो जिसको क्या उखाड़ना है वो। और दूसरी बात, बहुत लोग बोलते हैं बच्चों को जनरेशन को ये गलत गलत सिखाता है, क्या सिखाता है रे। हाँ ये नया हिंदुस्तान है, ये घुसेगा भी और ठोकेगा भी। मैं ये भी सिखाता है कि घर से निकलो ना तुम अपने माँ बाप के पैर छू के निकलो, बाहर जाके देखो किसी के पैर छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा कुछ काम मत करो जिसके वजह से अपने माँ बाप को किसका पैर छूना पड़े, ये भी सिखाता है। मगर इनको सिर्फ भाव का टपाटप ही दिखता है, देना पड़ेगा ना, समझ में नहीं आता है तो देना पड़ेगा। ऐसा है तो बस ऐसे ही खुश रहो। और मैं जितने भी अपनी माँ बहने बाप माँ है सबको सिखाता हूँ कि देखो ये बच्चों को सिखाओ कि हमारा देश है, अगर हम भी कुछ नहीं बोलेंगे ना तो बच्चे भी नामर्द बनेंगे। बच्चों को सिखाओ कि जो हमारे देश के खिलाफ बोलेगा उसकी बचाना जरूरी है, फिर कुछ भी होने दो। हाँ तो जिसको भी मेरे बात का बुरा लगता है पहली फुर्सत में खाता है इधर का गाता है उधर का, तो पहली टिकट निकाल और भाग उधर। हाँ क्या इधर सब मेरा बहन बेटी सब खड़ा है, माँ खड़ा है, फिर बोलेंगे आ गया वापस। ऐसा है तो बस खुश रहो मजे में रहो, अपना ख्याल रखो अपने परिवार का ख्याल रखो, भाऊ को दुआ में याद रखना बस। बाकी बिना कपड़े की दुकान हाफ बिरयानी सबको ले रहा हूँ, अभी लेते रहूंगा। और एक बात, ये जो शरीफ होते हैं ना शरीफ, उसमें वो एक था कबूतर बराबर जिसने हमारे आर्मी का अपमान किया था और तब मैंने आवाज उठाया था। हा? आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि तेरे वजह से यूथ जनरेशन खराब हो रही है, तो फर्क देखो वो शरीफ और ये बिगड़ेला इसमें फर्क है, कौन इज्जत बना रहा है और इज्जत कौन खराब कर रहा है इंडिया की, ये भी समझो, समझा। और जो जो शरीफ ऐसा करेगा उसकी बजाएगा। हाँ मेरे भारत माता की, पीछे से आवाज नहीं आया, ऑरेंज दिखाया नहीं क्या, मेरे भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय हिंद।